The student led, this is a tower from which a ball is thrown vertically upward at 20 meters per second. And it takes 6 seconds to reach the ground. मैंने ground की level से एक कुछ एक h height की tower के ऊपर से मैंने एक bulb को 20 meters per second में ऊपर की तरफ फेंका. तो वो यहाँ पर जाके फिर वापस ऐसे आके यहाँ पर पहुंचने के लिए 6 सेकंड लिया. इतना ही दिया हुआ है क्वेश्चन में. पूछा व्हाट इज द टाइम ऑफ, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर. स्टूडेंट हम ऐसे निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ से मैं 20 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूँ ऊपर, तो ये मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए कितना हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट दैट इट विल रीच. यू नो h इज इक्वल टू स्क्वायर बाय 2g. व्हेन बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड इज इक्वल टू स्क्वायर बाय 2g. यू इज 20 20 * 20 बाय 2 * 10 दैट इज 20 मीटर. तो ये जो हाइट रहा हाइट ऑफ द टावर की टॉप से बॉल जितने हाइट तक गया, दैट हाइट वी गॉट इज इक्वल टू 20 मीटर. वी गॉट इज एट 20 मीटर. ओके देन स्टूडेंट यहां से यहां तक जाने के लिए टाइम कितना लगा, दैट इज टाइम ऑफ असेंट. टाइम टेकन टू रीच ए टू बी, दैट इज टाइम ऑफ असेंट, दैट इज TAB इज इक्वल टू u / g. यू नो 20 / 10 दैट इज 2 सेकंड. एंड TBC टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट. उसी लेवल पे फिर आने के लिए B टू C दैट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, दैट इज इक्वल टू u / g, दैट इज आल्सो 2 सेकंड. स्टूडेंट्स सो यहां से यहां तक आने के लिए उसको 4 सेकंड लग गया. फिर वापस इस बी सी पॉइंट से, दिस इज सी पॉइंट, सी टू टी आने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकंड. तो स्टूडेंट अगर यहां से फ्री फॉल, यहां से जब बॉल यहां पर रिच कर गया बी के पास, तो वहां से फ्री फॉल होना शुरू करेगा. तो जब वहां से फ्री फॉल होना शुरू करेगा, तो बी टू डी जो फ्री फॉल कर रहा है, बी टू डी कितना, ये 2 सेकंड और ये 2 सेकंड, 4 सेकंड. तो 4 सेकंड में बॉडी कितना हाइट कवर करेगा ऊपर से नीचे तक. सो दैट इज एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर. हम निकाल दिए हाफ जी, 10 डाल दिए, टी का स्क्वायर फोर्स का डाल दिए, तो हाफ इंटू 10 इंटू 16, तो दैट इज 80 मीटर. टोटल हाइट बी टू डी इज 80 मीटर और यहाँ से हम पहले से निकाल दिए थे 20 मीटर. तो स्टूडेंट ये जो हाइट है ए टू डी, द हाइट ए टू डी विल बी हाउ मच हाइट ऑफ द टावर, दैट इज 80 माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 60 मीटर. दैट मीन्स ये इस मेथड से हम कर सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने के बाद, हम मानो कि वेक्टर में हम सारे अपवर्ड मोशन को पॉजिटिव लेंगे, सारे डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे. रेफरेंस पॉइंट से अगर सबको ऊपर की तरफ पॉजिटिव लेंगे, नीचे की तरफ सारे नेगेटिव लेंगे. तो वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स इन स्ट्रेट लाइन वो पढ़ने के बाद हम पता लगा सकते हैं, एक ही इक्वेशन में इसको ऐसे लिखे कि डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे की तरफ हो रहा है, वेलोसिटी अगर यू के तरफ है, टोटल टाइम अगर 6 सेकंड है टी, ठीक है. तो फिर हाउ टू राइट द होल इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन इक्वेशन सो दैट इट विल बी इजियर टू सॉल्व. लेट्स सी दैट. Let's study about direction of vector in a straight line motion. Give heading direction of vectors in straight line motion. Direction of vector in straight line motion. Friends, you know, in straight line motion, मतलब all the vectors, ये जो position हुआ, या फिर displacement हुआ, या फिर velocity हुआ, ये जो acceleration हुआ, will have a component. Straight line motion मतलब they will have a component. एक component रहेगा along the line of motion, and there will be only two possible directions for each vector. Either body ऊपर की तरफ जा रहा, नहीं तो फिर body नीचे की तरफ आ रहा, straight line. Either upward रहेगा direction, नहीं तो फिर downward रहेगा direction. For example, student मानो, मान के चलो कि एक body जो एक्स एक्सिस पे जा रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ पर पार्टिकल मूव कर रहा है, लेट इट इज अलोंग एक्स एक्सिस, लेट ए पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस स्टूडेंट्स, एंड द टू डायरेक्शंस आर राइट एंड लेफ्ट. स्टूडेंट्स आइदर इस तरफ जा सकता है मोशन, दैट इज राइट, या नहीं तो फिर बॉडी इस तरफ जा सकता है, आइदर लेफ्ट, आइदर राइट और लेफ्ट. सो एनी वेक्टर डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट, कोई भी वेक्टर अगर राइट की तरफ जा रहा है, अगर मैं उसको पॉजिटिव ले रहा हूं, लेट आई एम टेकिंग इट एज पॉजिटिव नंबर, देन स्टूडेंट टुवर्ड्स लेफ्ट जो जा रहा है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव नंबर. क्योंकि वेक्टर में अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, इसी डायरेक्शन में क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा. सिमिलरली अगर मैं एक बॉडी को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, इट्स फॉर ए वर्टिकल मोशन, लेट फॉर ए वर्टिकल और ए इंक्लाइंड मोशन, अपवर्ड डायरेक्शन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, लेट मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहा हूं, ऊपर की तरफ को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो नीचे की तरफ को मुझे क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा. सो दैट इज ये जो लाइन है, दिस लाइन इज लाइन ऑफ मोशन, दिस इज लाइन ऑफ मोशन.
अगर मैं एक लाइन पे बॉडी ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, इसी लाइन ऑफ मोशन है बॉडी का, तो ऊपर की तरफ अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो नीचे की तरफ क्या लूंगा, मैं नेगेटिव लूंगा. स्टूडेंट फॉर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, स्टूडेंट्स फॉर वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी द ओनली फोर्स एक्टिंग, जब कोई बॉडी अंडर ग्रेविटी पे मूव कर रहा है, आइदर नीचे की तरफ जा रहा है या फिर ऊपर की तरफ जा रहा है, वट एवर, स्टूडेंट्स द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज वट, इट्स वेट. द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज इट्स वेट, दैट इज वेट इज इक्वल टू एम जी. स्टूडेंट्स यू नो द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, एम जी इज वट, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ. स्टूडेंट हेंस द एक्सेलरेशन फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन, the acceleration for this type of motion will be a is equal to how much hamisa, hamisa yahan par a is equal to g hoga. Ashwin, that a is equal to minus 9.8 meter per second square. Why I am saying minus? Agar upar ki taraf main positive liya aur niche ki taraf negative, hamisa har problem pe minus ya fir minus 10 meter per second square main le raha hu, kyunki agar maine reference maan liya ki upar ki taraf aur positive aur niche ki taraf negative hai, and acceleration due to gravity is always directed vertically downward, yes or no? So, इसलिए मैं हमेशा जी को क्या लिख सकता हूँ, ए या फिर जी, दैट इज ए हो या फिर जी हो, मैं उसको नेगेटिव लिख सकता हूँ. बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पर बिकॉज नेगेटिव साइन, मैंने माइनस क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव साइन बिकॉज द फोर्स एंड द एक्सीलरेशन आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, द फोर्स बिकॉज द फोर्स एंड एक्सीलरेशन, द फोर्स एंड द एक्सीलरेशन आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड. और यहाँ पर हम मान लिए हैं शुरू से कि चलो नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे और ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे. अगर यहाँ पर मैं यू को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ तो यू क्या लूंगा, मैं पॉजिटिव लूंगा. अगर बॉडी नीचे की तरफ फाइनली डिस्प्लेस हो रहा है तो एच को क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा. तो उसी बेसिस पे हम सारे इक्वेशन अभी फॉर्म करेंगे, जब एक बॉडी को मैं ऊपर की तरफ थ्रो करता हूँ, नीचे की तरफ थ्रो करता हूँ या फिर फ्री फॉल करवाता हूँ, व्हाट विल बी द इक्वेशंस ऑफ मोशन, लेट्स सी दैट. We want to form the equations for a body, for three bodies. We want to form the equation of three bodies which are projected from the towers of same height. In body, जो कि tower जो है वो same height of tower से मैंने project किया. This is the ground level students. This is the ground. और यहाँ से मैंने तीन cases में दिखा. I want to show you. ये भी same height of the tower, same tower. This is same height of the tower students. फैमिलियर क्वेश्चन है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है. फ्रेंड्स मान के चलो सेम टावर, फर्स्ट वन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी, दैट मींस यहां से मैंने एक बॉडी को, एक पार्टिकल को यहां से यू स्पीड में ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया, तो एस मैंने प्रोजेक्ट किया तो ये इस तरह की एक पाथ फॉलो करेगा, ये जाएगा फिर लाइन ऑफ मोशन पे आके ग्राउंड की तरफ आके यहाँ पर रीच करेगा, ठीक है. स्टूडेंट ये फर्स्ट केस है. लेट सेकेंड वन इज थ्रोन डाउन विद वर्टिकली विद द सेम वेलोसिटी, ये यू में ऊपर की तरफ फेंका गया बट यहाँ से मैंने उसको फ्री फॉल नहीं करवाया, एक्जैक्टली आई थ्रू इट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन यू, ठीक है. एंड द हाइट ऑफ द टावर स्टूडेंट एच, हर जगह पे हाइट ऑफ द टावर जो है वो एच है, यहाँ पर हाइट ऑफ द टावर इज आल्सो एच. यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ फेंका, वो कुछ टी टाइम ले लिया, लेट टी वन टाइम लिया उसको नीचे आके पहुंचने के लिए. यहाँ पर मैंने नीचे की तरफ थ्रो किया, यहाँ पर आके पहुंचने के लिए उसको मान के चलो बॉडी इस डायरेक्शन पाया और उसको टी टू टाइम लगा. और स्टूडेंट्स थर्ड केस में, इन द थर्ड केस लेट the body is dropped, is freely falling body. Third case में body को मैंने drop कर दिया freely fall में, u is equal to zero. ये भी नीचे की तरफ आ रहा है, but यहाँ पर u is equal to zero. और वो भी नीचे की तरफ आ रहा है, और उसको time लगा t3 seconds. यहाँ पर मैंने फेंक दिया, ऊपर से नीचे आने के लिए t1 time लगा. यहाँ से फेंका उसी velocity में तो t2 time लगा. यहाँ पर फेंका तो t3 time लगा. Friends, let's form the equation of motion for the three cases. Friends, मैंने बताया था ये reference line है. Friends, just see here. This is the ground. यहां से नीचे की तरफ को क्या लेंगे, नेगेटिव. ऊपर की तरफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे. और मैं यहां से यू को ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो यू इज हाउ मच इन द फर्स्ट केस, द फर्स्ट केस यू विल बी पॉजिटिव. एंड स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट जो है वो किस तरफ हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. एंड स्टूडेंट जी क्या है, यहाँ पर जी जो है वो क्या लिख सकते हैं हम, जी इज डाउनवर्ड, तो जी भी हम नेगेटिव लिख सकते हैं. आई कुड राइट जी नेगेटिव. And h is downward is also negative, but u is positive. ठीक है student. अगर पूरा equation का motion को लिखूंगा मैं student, for first body I can write, for first body I can write students, h students में यहाँ से ऊपर की तरफ क्या लिया, positive, और नीचे की तरफ क्या लिया, negative. तो u क्या होगा students, positive. h क्या होगा students, negative.
और यहाँ पर जी क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव। तो चलो एच इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर में अगर डालेंगे तो माइनस एच इज इक्वल टू माइनस नहीं होगा प्लस टी वन होगा यूटी वन, क्योंकि यू पॉजिटिव है यूटी वन, अगेन माइनस हाफ जी टी वन स्क्वायर। This could be the equation for the first case. अगर मैं minus common ले लूँ students, तो it can be written as h is equal to minus ut1 plus half gt square. दोनों equation same है, no problem. This is also the same equation. This is also same equation. मैंने एक equation डाल के हम देखेंगे वो जो पहले वाला question कर रहे थे, वो पूरा इसी equation पे solve हो जाएगा, ठीक है? और students second case पे, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ for second body students. अगर सेकेंड बॉडी की बात करें स्टूडेंट्स, तो सारे नीचे की तरफ है, एच भी नीचे की तरफ, यू भी नीचे की तरफ और जी भी नीचे की तरफ, स्टूडेंट्स जी इज आल्सो डाउनवर्ड, तो सारे नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर मैं सारे नेगेटिव लिखूं तो इसका इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, माइनस एच इज इक्वल टू माइनस यू टी टू, क्योंकि टी टू टाइम लग रहा है, माइनस हाफ जी टी टू स्क्वायर। तो अगर माइनस कॉमन ले लो स्टूडेंट्स, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, एच इज इक्वल टू यू टी टू प्लस हाफ जी टी टू स्क्वायर for the, this is for the second, this is the second equation of motion, and let this is the first equation of motion. And students, for the third body, see here, for third body sab kuch u is also downward, no u is there students, h is downward and g is also downward, aur hum yahan par downward g ko negative liye hain downward, aur h bhi niche ki taraf hai, to main likh sakta hu minus h is equal to u to zero hai, half g e3 ka square, kyunki t3 time laga hai, माइनस हाफ जी टी थ्री स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू हाफ जी टी थ्री स्क्वायर। सो दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ द मोशन। फ्रेंड्स लिसन, लेट्स वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन, ये यहाँ से पहला केस पे ये आने के लिए यहाँ तक टी वन टाइम लिया, फिर यहाँ पर जो थ्रो किए तो टी टू टाइम लगा, यहाँ पर फ्री फॉल करवाया टी थ्री टाइम लगा। वी वांट टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन टी वन टी टू एंड टी थ्री। फ्रेंड्स ये इक्वेशन वन के साथ, अगर मैं इक्वेशन वन के साथ, इक्वेशन वन के साथ अगर मैं टी टू मल्टीप्लाई कर दूं प्लस, और इक्वेशन टू के साथ स्टूडेंट्स मैं टी वन मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को ऐड कर दूं, सो द नेसेसरी थिंग विल बी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर कितना ऐड किया, टी वन ऐड किया मैंने यहाँ पर, इक्वेशन वन विथ टी टू एंड इक्वेशन टू विथ टी वन अगर मैं स्टूडेंट्स ऐड किया, तो यहाँ पर पहला वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एच टी टू माइनस u t1 t2, sorry, is equal to minus, अगर उस तरफ ले लूं मैं तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, एस टी टू, ये वाला इक्वेशन एक मिनट जस्ट टू सी, स्टूडेंट्स जस्ट ही यहां पर अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो फिर फ्रेंड्स अगर मैं ऐड किया तो ऐड करके कॉमन लेने के बाद आई विल गेट एच टी वन प्लस टी टू, एच टी वन प्लस टी टू विल बी इक्वल टू स्टूडेंट्स हाफ जी टी वन टी टू इंटू टी वन प्लस टी टू। आप दोनों इक्वेशन में टी वन ऐड करो, टी टू ऐड करो, दोनों को ऐड कर दो, देखना कैंसल आउट होके पे हमें मिलेगा एच टी वन टी टू प्लस हाफ जी टी वन टी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू। स्टूडेंट बोथ साइड से अगर मैं टी वन प्लस टी टू को कैंसिल कर दूं तो आई विल गेट एच इज इक्वल टू, I'll get h is equal to half g into t1 t2, okay. और स्टूडेंट यहाँ से मुझे पहले से मिल चुका है h is equal to half g t3 square. और यहाँ से मुझे in the first case I have also got, यहाँ से equation 3 पे मुझे मिल गया है h is equal to half g t3 square. तो अगर h की जगह पे मैं यहाँ पर लेके रिप्लेस कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, half g t1 t2 is equal to half g t3 का square. So, g g cancel students, 2 2 cancel. So t3 square is equal to t1 into t2. So students t3 is equal to how much? Root under t1 into t2. This is the required link relation between the t1, t2 and t3.